कौन सा एप्लीकेशन बनवाएं, किस एप्लीकेशन में ज़्यादा प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन हम हमेशा सोचते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन बनवाने जा रहे होते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एप्लीकेशन बनवाने के पहले होता है कि कौन सा एप्लीकेशन बनवाएं, वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दूंगा। ऐसे टिप्स दूंगा मैं आपको आज इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मतलब आपको जब आप कोई एप्लीकेशन बनवाने जाओगे या फिर कोई एप्लीकेशन बनाने में सोच रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बनवाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे आजकल चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं, आप देखिए आप कुछ भी मतलब एप्लीकेशन के जरिए तो और भी ज़्यादा आसान हो गया लॉकडाउन में, ठीक है। और पहले आप अगर एप्लीकेशन बनवाते मतलब वैसे नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर बनाते तो आप लोकली टारगेट कर पाते थे अपने यूज़र्स अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। आजकल आप पूरे दुनिया में टारगेट कर सकते हो आपकी यूज़र्स को, आपके ऑडियंस को, पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अगर एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ इंडियन यूज़र के लिए सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों क्या होता है, एक हॉस्पिटल खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो, ठीक है। एक स्कूल खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर हो किसी कॉलेज के, ये ज़रूरी नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसा और एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पैसा नहीं भी है तो भी चलेगा, गुड आइडिया आपके पास बहुत बेटर आइडिया है तो इन्वेस्टर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही एप्लीकेशन बनवाने के बारे में जब भी आप सोचते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन इंडिया के लिए आप सोचो। मैं तो ये बोलता हूँ आजकल मतलब सब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, आउट ऑफ इंडिया के बारे में भी आप सोच सकते हो। आप ऐसा बिल्कुल मतलब जिस जगह या जिस कंट्री में जिस एप्लीकेशन की इस टाइम कमी है वो एप्लीकेशन पे आप फोकस कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को बना के उन लोगों को सर्व करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इंडिया में हम सभी जानते हैं अगर पबजी जैसा गेम बनाना हो तो समय लगेगा, डेवलपर्स को टाइम लगेगा और उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी इंडिया में कोई रेडी नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम को समझ गए ये चाइना वाले कोरियन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब बच्चों को वैसा ही तो गेम चाहिए, तो इन्होंने इंडियंस के लिए भी वैसा गेम बना दिया। मतलब हालांकि उन्होंने बनाया पूरे वर्ल्ड के लिए, बट टारगेट तो क्या ना इंडियंस को ज़्यादा, इंडियंस ही ज़्यादा प्ले करने वाले, ठीक है। तो और सिर्फ वही एप्लीकेशन नहीं, ऐसे बहुत एप्लीकेशन है। मैं एडिटिंग के एप्लीकेशन देखता हूँ, फोटो एडिटिंग वाले जो मतलब ब्यूटी प्लस वगैरह, ब्यूटी प्रो, ऐसे बहुत एप्लीकेशन है जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम को जानते हैं कि यहाँ के लोग सेल्फी लेने में बहुत एक्सपर्ट हैं, एडिटिंग वगैरह करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने वैसा एप्लीकेशन बनाया और हमारे इंडियन यूज़र्स ने वही एप्लीकेशन यूज़ किया और इससे चाइना वाले जो जिसने एप्लीकेशन बनाया था उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ना सोचना है पहले कि किस कंट्री में कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा चल सकता है, कहाँ कुछ छूट रहा है वहाँ पे, किस कंट्री में कौन सा आपका एप्लीकेशन कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट टिप है ये और बहुत स्ट्रांग टिप है ये, ठीक है। दूसरा टिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जब भी दोस्तों आप ये सोचते हो कि आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो उसके पहले ये सोचो कि आपको एप्लीकेशन से पैसा कमाना है या फिर ऑडियंस को सिर्फ इकट्ठा करना है अपने एप्लीकेशन पे, ऑडियंस बिल्ड करना है ताकि भविष्य में आप उन ऑडियंस के जरिए पैसा कमा सको, ठीक है। जो सब सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। आप YouTube में ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो भी फ्री नहीं है, ठीक है। अगर मैं वीडियो फ्री में टिप्स दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो सर्विस मेरी आप ज़रूर लोगे, ठीक है। प्लस YouTube पे आप आए हो, यहाँ पे आप कोई वीडियोस फ्री में देखते हो तो ऐड के जरिए जो क्रिएटर होता है उसको पैसा मिलता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो, ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आप एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हो, ऑडियंस बिल्ड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कम ऑडियंस भी रहेंगे तो चलेगा। वैसे ही होता है, अब मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ क्या होता है। सबसे फर्स्ट आपको सोचना ये है कि आप जो एप्लीकेशन बनवा रहे हो वो क्यों, किस लिए बनवा रहे हो, ऑडियंस बिल्ड करना है या पैसे कमाने हैं, ठीक है। अगर तो आपको पैसे कमाने हैं तो एप्लीकेशन में जान डाल दीजिए पूरा, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है उतना अच्छे से कीजिए, एप्लीकेशन के हर एक फंक्शन को डबल चेक कीजिए, ठीक है। अगर तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड करने वाले हो जहाँ पे आप सिर्फ ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन को भी एक बेस्ट, क्योंकि ऑडियंस को क्या होता है अगर फ्री वाली चीज़ है ना जो, वहाँ से वो जल्दी माइग्रेट होते हैं दूसरे फ्री वाले एप्लीकेशन की तरफ अगर आपके एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए अब ये आप चीज़ समझ गए होंगे, स्ट्रांग टिप्स एक्चुअली ये भी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हो, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस आप वहाँ पे अर्निंग करोगे ऐड के थ्रू अर्निंग करोगे, ठीक है, तो आपको कौन से एप्लीकेशन बनवाने चाहिए या फिर उस एप्लीकेशन पे आपको ऐसे क्या ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ठीक है, या फिर किस कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। फ्री वाली बात करता हूँ पहले, उसके बाद मैं पेड वाली आपको बताऊँगा, ठीक है।
फ्री वाले में क्या होता है दोस्तों, आप सबसे पहले ये दोस्तों फ्री में आप एड के थ्रू पैसा कमाने वाले हो, सबसे मतलब ज्यादातर लोग उसी से पैसा कमाते हैं, एडसेंस एडमोब के थ्रू पैसा कमाते हैं फ्री एप्लीकेशन में, ठीक है। ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो लेकिन थोड़ी बहुत आप, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एप्लीकेशन में कहां से रिकवर करोगे, एड के थ्रू तो रिकवर करोगे ना, मतलब जो आपका एडमोब का एड्स उसमें लगाओगे, जो गूगल्स के एड आएंगे तभी तो आपका पैसा रिकवर होगा। तो फ्री वाले एप्लीकेशन में आपको देखना ये है कि पहले तो कंट्री टारगेट कर लो, या फिर किसी अगर इंडिया में टारगेट कर रहे हो तो वो आपका एप्लीकेशन कहाँ ज़्यादा चल सकता है, किस लैंग्वेज के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। अगर तो पूरे इंडिया के लिए बना रहे हो आप, तो आप अपने एप्लीकेशन को ये देखो कि यूज़ कौन करने वाला है, बच्चे यूज़ करने वाले, बच्चे यूज़ करने वाले तो कम CPC वाले ऐड आएंगे, अर्निंग कम होगी, ठीक है। अगर तो आपने अपना एप्लीकेशन ऐसे कैटेगरी का बनाया, एजुकेशन कैटेगरी का, वहाँ पे 12 साल से लेके 24 साल तक के ऑडियंस आने वाले हैं, पर अर्निंग अच्छी होगी वहां पे आपकी, ठीक है। एजुकेशन एप्लीकेशन में ज्यादा अर्निंग होती है। आप कोई टेक रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पे क्या होगा, 18 साल से या फिर कह लीजिए 15-16 साल से अबाव ही यूजर्स आएंगे उस पर, 30-32-35-40 तक के उस पर यूजर्स रहेंगे, वहां पे भी एड CPC बहुत हाई रहता है, अच्छी अर्निंग हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज आते हैं, मैं जानता हूँ 500-600-700-1000 व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होते, बट स्टिल जो यूट्यूबर्स रहते हैं जिनके 10,000-15,000 व्यूज आते हैं, उनकी जो यूट्यूब की अर्निंग रहती है अराउंड उतनी मेरी यूट्यूब पे हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ऑडियंस वैसे हैं, ठीक है, मेरे ऑडियंस सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हाई CPC वाले ऐड आते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, पहले तो टारगेट करना है आपकी ऑडियंस को, यूजर्स को, और वो यूजर क्या ब्राउजिंग करते हैं, वो यूजर कैसा है, ये भी आपको सोचना है, तभी आपकी अर्निंग, वो सारा चीज़ है, वो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑडियंस को जब आप टारगेट करोगे, उनके बारे में जब आप सोचोगे, तब वो सारी चीज़ें आपके अर्निंग पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन को डिजाइन करना है उन ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब बच्चे हैं तो बच्चों की तरह ही एप्लीकेशन भी बनना चाहिए, बड़े हैं तो बड़ों की तरह प्रोफेशनल एप्लीकेशन भी बनना चाहिए। अब अगर पेड एप्लीकेशन की बात की जाए कि पेड एप्लीकेशन में आपको क्या करना चाहिए, पेड एप्लीकेशन में दोस्तों मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इंडिया के बारे में मत सोचिए, आउट ऑफ इंडिया के बारे में सोचिए। फेस ऐप आपने देखा होगा, फेस एप्लीकेशन जिसपे बच्चे का फोटो डाल दो तो वो बूढ़ा में कैसे दिखेगा, जवान होने के बाद कैसे दिखेगा, दाढ़ी बेयर्ड रहेंगे तो कैसा दिखेगा, फेस एप्लीकेशन एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन, उसमें सारी चीजें की जा सकती है, ठीक है। पर वो इंडिया का नहीं है, बाहर का, लेकिन सब यूज करते हैं उसे, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। वैसे ही कुछ बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आप एप्लीकेशन बनाइए जो बाहर के लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, वो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ आइडियाज बस इस वीडियो में दे रहा हूं आपको, आप कुछ भी बना सकते हो यार, सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कुछ भी बना सकते हो, बस सोचना है आपको कि ये होना चाहिए, और आपको पेड रखना है, वो आप इंडिया के लिए बनवा रहे हो इंडिया के लिए रखो, बाहर के लिए बनवा रहे हो आउट ऑफ इंडिया के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए भी रख सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए पूरा कंप्लीटली, तब देखिए आपका एप्लीकेशन में आप कितना अच्छा अर्न करोगे। क्योंकि यार दोस्तों मुझे भी पता है आजकल एप्लीकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है एक बिजनेस के तौर पे एक बेस्ट वे है एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानो भी, समझो भी, और आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।